बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पानीपत से, आपको बता दें प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है और पानीपत के जो हालात है वहां 45 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। गर्मी से राहत के अभी कोई आसार नहीं है, मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिन तक लगातार प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, पूरे प्रदेश के हालात की अगर बात करें तो 45 डिग्री के ऊपर पारा जा रहा है, अगर पानीपत की बात करें तो वहां पर गर्मी से जाहिर तौर पर बुरे हालात ही होंगे, लेकिन क्या तस्वीर दिन में देखने को मिलती है वहां? नंदिनी, मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके से गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मौसम विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि पिछले आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर पानीपत से लेकर आसपास के जो क्षेत्र लगता है वहां पर 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक तापमान दिन में रह सकता है और रात का जो तापमान है अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रह सकता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गए, इस तरीके की बीमारियों के केस भी आने शुरू हो गए हैं और इस तरीके की गर्मी के अंदर जिस तरीके के हालात हैं तो लोगों में एक दहशत बनी हुई है। आप सड़कें देखेंगे, सड़कें खाली हैं, किसी तरीके का निकला नहीं जाता, बच्चे जो हैं लगातार बीमार हो रहे हैं, उनके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। तो इसको लेकर प्रशासन भी थोड़ा सा सजग नहीं है। मैं कहूंगा कि हर जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आदमी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बन गया है, जिस तरीके की गर्मी आ रही है तो इसके परिणाम जो है वो बेहद भयंकर सामने आ रहे हैं। जी नंदिनी, हाँ बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है जितेंद्र की अगले 3 से 4 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसी तरह की गर्मी पड़ने वाली, और जैसा कि आप बता रहे हैं पानीपत में दिन में लोग दिखने कम हो गए हैं, जाहिर तौर पर यही लोगों से हम भी अपील करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। और ऐसे में लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि पानीपत में पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी से बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं शहर भर में होनी चाहिए वो नहीं है, तो ऐसे में क्या नगर निगम की ओर से कुछ कहा गया है? क्या आपने उनसे सवाल किया गया कि ऐसी व्यवस्थाएं करें, वो जगह जगह पर कम से कम पानी के लिए प्याऊ लगवाए जाएं? पूछा भी था इस मामले में, अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन जहां तक ये प्रश्न है जिस तरीके की गर्मी है तो वहां कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कदम उठाना चाहिए कि पूरा हाईवे है, पानीपत जो है सेंटर लगता है और उसके साथ कहीं भी आपको जो है प्याऊ की पानी की कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर ठंडा पानी मिल जाए, आने जाने वालों का गंतव्य लगा रहता है। लेकिन गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसको निजात पाने के लिए अब प्रशासन आगे क्या भविष्य में कदम उठाने वाला है उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, फिलहाल स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। जी नंदिनी, चलिए शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे प्रदेश में गर्मी से हालात खराब, पानीपत में 45 डिग्री पारा पहुंच चुका है और गर्मी से राहत के अभी कोई आसार नहीं है।